या बसम याकन आबदो या कस्तीन मेरे पाकिस्तानियों जो हमारे लिए सबसे तश्वीशनाक चीज़ हम सब के लिए है वो क्या है बारह लाख पाकिस्तानी जब से ये हुकूमत आई है मुल्क छोड़ के चले गए लेकिन ये बारह लाख पाकिस्तानी कौन से पाकिस्तानी है ये वो पाकिस्तानी हैं जिनको दुनिया तैयार है अपने मुल्कों में लेने के लिए यूरोप अमेरिका कनाडा या इस तरह के मुल्क ये तैयार है उनको लेने के लिए क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं ये वो लोग हैं जिनकी डिमांड है दुनिया से बाहर ये कहीं भी जा सकते हैं और ये क्योंकि ये प्रोफेशनल्स हैं इनकी इनकी कोई डॉक्टर्स हैं कोई आप लिस्ट आए पूरी कोई इंजीनियर्स हैं यानी वो लोग जो एक माशरे को आगे बढ़ाते हैं जो एक माशरे की तरक्की के अंदर पूरा हिस्सा लेते हैं वो लोग हैं जिन जिनको इस मुल्क की बहुत जरूरत थी अब वो छोड़ के चले गए बारह लाख लोगों का जाना सिर्फ यही नहीं कि ये वो लोग हैं जिनको आराम से वीज़ा भी मिल गया उनको आराम से उनको नौकरियां भी बाहर मिल गई ये वो लोग हैं जो फिर अपना पैसा भी बाहर लेके गए होंगे क्योंकि खाली हाथ तो नहीं जाना था तो उन्होंने फिर यहाँ से रुपयों को डॉलर्स में कन्वर्ट किया और फिर डॉलर्स बाहर लेके गए तो सोचें कि इसकी कितना नुकसान हुआ होगा पाकिस्तान को अब ये सोचें कि ये क्यों हो रहा है क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं वो लोग फिर से मैं कहता हूँ कि जो एक मुल्क की तरक्की की बुनियाद रखते हैं वो जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि उनकी उम्मीद खत्म हो गई है मुल्क से ये उम्मीद क्यों खत्म हुई है ये उम्मीद इसलिए ख़त्म हुई है कि जो तीस साल से इस मुल्क को तबाही के अंदर जिनका पूरा हाथ था जो चोरी कर कर, कर के मुल्क का पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर लेके जा रहे थे जिनके ऊपर करप्शन के केसेस के ऊपर किताबें लिखी हुई थी जिनकी दुनिया के बाहर इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज दो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज बनी थी जिनके ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर इनकी चोरी का लिखा हुआ था और किताबें तीन चार किताबें हैं जो लिखी गई जिसमें कैपिटलिज कैपिटलिजम्स एक्लीज हील एक रेमंड बेकर की किताब उसके अंदर लिखा हुआ है कि इनके जो पहले दौर में नब्बे की दिहाई में इन्होंने कितना पैसा चोरी किया था और मुल्क से बाहर लेके गए थे तो ये वो दो माफियाज़ उनको ऊपर आके बैठा दिया लोगों ने थोड़ी देर सोचा कि चलें जी ठीक है इलेक्शन आएगा तो हम इनको अपना तब इनको इनके खिलाफ खड़े होंगे फिर जब उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है यहां और जो मुल्क की इनके साथ खड़ी हो गई है असल मायूसी तब हुई है कि वो लोग जो ये समझते थे कि इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट चले जैसी भी है उसने गलतियां की होगी मार्शल लॉ लगे होंगे लेकिन वो उस वो उस मुल्क का सोचती है क्योंकि उनका जीना मरना पाकिस्तान में है उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में तो जब वो इन लोगों के साथ खड़ी हो गई और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू कर दी इन लोगों को फिर से जताने की और मायूसी तब चाहिए उम्मीदी और मायूसी कब चाहिए कि जब उन्होंने तमाशा देखा कि जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है सत्तर फीसद से ज्यादा जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी आज पाकिस्तान में है सारी सर्वेज कह रही हैं कि ये पार्टी जीतेगी और कौम इसके साथ खड़ी है सैंतीस में से तीस बाय इलेक्शन ये जीत जाती है पार्टी इसके बावजूद कि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी होती है उसके बावजूद अवाम बता देती है कि वो 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 क्या चाहती है जब वो देखते हैं कि उस पार्टी को क्रश करने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है पूरा नौ मई का ड्रामा जो इन मुझे कभी भी मौका मिला मैं साबित करूंगा कि वो सारा ड्रामा किया गया था पीटीआई को क्रश करने का उसका कोई मकसद ये नहीं था कि उन्होंने आ, आ, कोई गद्दारी गद्दार पकड़ने थे यानी ये खैर अब तो हमारे पास एविडेंस भी आ गई है वो जब मौका मिले तो हम बताएंगे कि कैसे प्री प्लान करके और फिर एक ट्रैप करने की कोशिश की गई है पार्टी को और फिर वर्कर सारे हज़ारों वर्कर अंदर डाल दिए सीनियर लीडरशिप अंदर डाल दी फिर वो जो बाहर निकलता था सिर्फ कि मैं जी पार्टी छोड़ रहा हूँ तो वो बाहर निकल सकता है और फिर ये बताया गया कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ है यानी तहरीकान साफ़ फ़ौज के खिलाफ है यानी तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है कौन अपनी फौज के खिलाफ होगा अच्छा और कौन अपनी फौज के ऊपर हमला करेगा कोई जीत सकता है अपनी फौज के ऊपर हमला करने के करके क्या वो नहाते लोग और वो जो औरतें हैं जो अभी भी पकड़ी हुई है औरते हैं औरतें क्या इनके जरिए हमने हमला करना था फौज के ऊपर तो ये पूरा एक प्लान एक प्रॉपरगैंडा कैंपेन मीडिया के मुंह बंद किया गया मीडिया के अंदर पूरी एक कैंपेन चलाई गई और लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि ये देखें जी कितने बुरे लोग हैं ये मुल्क के गद्दार हैं जिस तरह के लोगों को नहीं पता कि जो ऊपर बैठाए हुए हैं वो कौन है या तो लोग भेड़ बकरियाँ हैं कि उनको पता ही नहीं कि ऊपर कौन बैठे हुए हैं क्या इनका हम लोगों को तीस साल से नहीं देख रहे क्या वो लोग जो मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और जिनके बड़े बड़े महलात हैं जिनका बड़ा अच्छा रहन सहन है जिनकी बिजनेस हैं जो बच्चे बाहर हैं इलाज बाहर हैं छुट्टियाँ बाहर हैं क्या वो मुल्क, मुल्क से ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन वो लोग जिनका जीना भर रहा पाकिस्तान में वो गदार है तो क्या ये कौम मान लेगी और मायूसी इसलिए कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है पार्टी पीटीआई को क्रश करके कि ये लोगों को फिर से लेके आए और फिर ये जो नए कोशिशें हो रही हैं कि जी नई पार्टीज बनाई जा रही हैं और पी के लोगों को उधर धकेला जा रहा है क्योंकि इन्हें यह पता है कि पी के लोगों ने इन दोनों पार्टीज़ को तो पास जाना नहीं क्योंकि सबको पता है इनका वोट बैंक ही नहीं है तो फिर पी का कोई जी ये जो आज नई भी पार्टी बनी है और फिर उससे पहले भी कि पी टी लोगों को बांध धकेला जाए अब मैं सिर्फ मुझे हैरत होती है कि जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं जो भी ये सोच है इसके पीछे कोई इनको तो कोई इनका एहत होगा कि ये कर क्या रहे हैं मुल्क के साथ क्या इनमें अकल है सियासत की समझ है क्या मुल्क की तारीख की समझ है क्या इनके पास तालीम है तरबियत तो मुझे पता नहीं है क्योंकि जिनके पास तरबियत हो वो ये ना करें जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं बच्चों का ना देखते हैं ना बूढ़ों का देखते हैं बुज़ुर्गों का नहीं देखते औरतों का नहीं देखते बिज़नेस बंद कर रहे हैं हर किस्म की ब्लैकमेल की जा रही है जो पाकिस्तान की तारीख में कोई तस्वर भी नहीं कर सकता यह हो सकता है किसी पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टी के साथ आज तक वो नहीं हुआ जो आज हमारे साथ किया जा रहा है और उन लोगों को धकेला जा रहा है ब्लैकमेल करके कि वो उस पार्टी में चले जाओ जा और उस पार्टी में चले जाओ और लोगों की शक्लें देखें जो जा रहे हैं उन पार्टी में वो ऐसे लग रहा है कि जैसे लोग लोगों को धकेल रहे हैं फांसी देने के लिए यानी वो अपनी ख़ुदकुशी करने जा रहे हैं ये ऐसे लग रहा है वो खुशी से नहीं जा रहे हैं जब लोगों को लेके इस तरह लेके जा रहे हैं ब्लैक मेल करके ज़्यादातर ब्लैक मेल कर रहे हैं और इन सारों को कहीं तो दो तो मैं देख रहा था जेल से सीधा वहाँ ले गए हैं तो वो क्यों इस तरह उनकी शक्लों में खुशी क्यों नहीं है क्योंकि उनको पता है कि उनकी सियासी मौत है उनको पता है कि पब्लिक ने इनको वोट नहीं करना और अगर किसी को शक है तो ये इन श्ला जब भी आप तो इलेक्शन लग रहा है कि इन श्ला हो ही जाएंगे वो जब भी इलेक्शन होंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि लोगों ने वोट किसको डालनी है लेकिन मैं तो वो सोच रहा हूँ कि क्या लोगों को जो ये कर रहे हैं पीछे बैठ के जो ब्रेंस बैठी हुई हैं क्या उनको समझ नहीं आ रही कि ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है क्या आज पाकिस्तान में क्या उनको ये नहीं पता कि ये पहली दफ़ा 1970 के बाद पाकिस्तान में ये माहौल बना है नजरिया दफा नजरियाती पॉलिटिक्स हो रही है वोटर ने नजरिए के ऊपर वोट डाल लिया है शख्सियतें खत्म ही हो गई हैं। आप जो मर्जी कर लें कि जितने जो उन्नीस सौ सत्तर में क्या हुआ था बड़े बड़े नाम थे ऐसे नाम थे कि उन्होंने कहा कैंपेन करने की जरूरत नहीं है उन्नीस सौ सत्तर में तो एकदम नजरिया वेस्ट पाकिस्तान में आया और चौरासी सीटें जीत गया एक सौ सैंतीस में से जुल्फिकार अली भुटो लेकिन उससे बड़ा जो सैलाब आया वो ईस्ट पाकिस्तान में आया मेरे ख्याल में एक में से एक सीटें जीत गया मुजीबरहान और वो क्या चाह रहा था इंसाफ चाह रहा था वो भी हकीकी आज़ादी की बात कर रहा था वो भी ये कह रहा था कि हमें हमें जो हमारा हक है वो नहीं मिल रहा हम आज़ाद नहीं हैं जो कि आज ये सत्ताईस साल से तहरीक इंसाफ कह रही है इंसाफ की तहरीक इंसाफ इंसानों को आज़ाद करता है तो वो भी यही कह रहा था वो उस वक्त पाकिस्तान से लहजा नहीं होना चाहता था उसके आप पढ़ रहे छः पॉइंट्स वो सिर्फ इंसाफ चाह रहे थे और जो हुआ उसके बाद वो यही हुआ कि मिस रीड किया गया मिस कैल्कुलेशन हुई सही माने में जायजा नहीं ले सके एक सिचुएशन का सियासी सिचुएशन का और मुल्क टूट गया आज फिर वही हो रहा है ये जो बनाए जा रहे हैं लोगों को और ये जो पार्टीज़ बनाई जा रही हैं और ये जो लोगों को धकेला जा रहा है और जो हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है तो ये क्या ये समझ नहीं आ रही कि ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन वो उन्नीस सौ सत्तर वाला है नज़रिया की पॉलिटिक्स आ गई है पाकिस्तान में क्या ये बाई इलेक्शन पर नहीं नजर नज़र आया कि कॉम ने कैसे कैसे लोग निकले हैं और पहली दफ़ा सिटिंग गवर्नमेंट बैक बाय द दबलिशमेंट वो हार जाती है तो उधर नहीं अंदाज़ा हुआ कि किस तरफ काम जा रही है वो उससे और ज़्यादा आगे निकल गई है मैं मेरा ये मेरा ये तज् है वो आदमी जिसने ज़ीरो से पॉलिटिक्स शुरू की ज़ीरो से कोई मेरे रिश्ते बाप दादा कोई पॉलिटिक्स में नहीं था मैंने ज़ीरो से एक पार्टी बनाई और आहिस्ता 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 कोई शॉर्टकट नहीं लिया हालांकि मुझे जनरल मुशरफ ने ऑफ़र भी बड़ी ऑफर की थी जब मैं आ, आ, अपनी एक ही सीट जीता था कि उनके साथ मिल जाओ कोई शॉर्टकट नहीं लिया बड़ा लंबा रास्ता लेते लेते पार्टी बनाई और वो पार्टी बनती बनती पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन गई तो मुझे तो सबसे ज्यादा अंदाज़ा है जो किसी को नहीं है पाकिस्तान में किसी का वो तो तजर्बा है ही नहीं जो मेरा है क्योंकि यहाँ तो सारी बनी बनाई पार्टीज का हिस्सा था या किसी का बाप था या कुछ था या नाना था या या माँ थी पॉलिटिक्स में या कोई लीडर थे ये तो इस तरह बने या वो जनरल जया ने और जनरल जलानी ने शफकत कर दी बहुत बड़ी एक बिजनेसमैन के ऊपर और वो पॉलिटिशन बन गया और अब उसके बच्चे तैयार हो गए सारे लेकिन इन्होंने कोई खुद तो पार्टी नहीं बनाई इन्होंने खुद तो ज़ीरो से कोई पार्टी नहीं बनाई तो मैं आज आपको कह रहा हूँ कि अवाम जिधर खड़ी है ये जो भी हरकतें कर रहे हैं इससे सिर्फ नफरतें बढ़ रही हैं इससे कोई इलेक्शन के ऊपर जो भी कैलकुलेशन है ये गलत होने वाली है ये जैसी जब इलेक्शन अनाउंस होंगे प्लान बना हुआ है इमरान खान को डिसकवालीफाई करना बड़ी तेजी से केसेस आगे बढ़ाए जा रहे हैं और बड़ी किसी तेजी से कि किसी न किसी तरह इसको डिसक्वालीफाई करो और या इसको जेल में डालो और वो मैं तैयार हूँ उसके लिए मुझे पता है कि आ, मैंने अपनी सारी पार्टी को बता दिया कि ये अगले हफ्ते से पूरी तैयारी कर लो कि मैं आपके साथ नहीं हूंगा तो उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूं लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूं क्या इससे क्या इससे यह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कामयाब हो जाएगी मेरे ख्याल में इतना ज्यादा धांधली करनी पड़ेगी कि सारा इलेक्शन का प्रोसेस ही खत्म डिस्क्रेडिट हो जाएगा जिस तरह वो सिंध में इलेक्शन करवाता है वो जरदारी वो इलेक्शन तो होता ही नहीं है पुलिस पूरी पकड़ पकड़ के लोगों को अंदर डाल रही है बाकी जो या पैसे दे के ख़रीद लो और या फिर जेल में डाल दो और उसके बाद इलेक्शन करवा दो ये तो इलेक्शन नहीं है ये तो जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन या बाईलैक्शन हुए हैं तो जो असल इलेक्शन है पाकिस्तान का और 25 करोड़ लोगों का इलेक्शन है अगर ये इलेक्शन ठीक ना करवाया गया उसके अपने असरात हैं वो और डिस्टेबलाइज करेगा इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तकाम आएगा ही नहीं और जब तक वो नहीं आएगा तो मैं बार बार कहता गया तो माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता तो हम तो और डूबते जाएंगे जो कर्जों के अंदर हम डूबते जा रहे हैं आमदनी सुखड़ती जा रही है कर्जे बढ़ते जा रहे हैं कीमतें बढ़ती जा रही हैं लोग गुरबत की लकीर से नीचे जा रहे हैं बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो हम तो उस तरफ जा रहे हैं तो वो तो तब ही ठीक होगा जो कि सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन से मुल्क बच सकता है लेकिन इस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ लेके जा रही है छोटी छोटी पाकिस्तान में पार्टीज छोटी छोटी ले आए प्लान तो ये है कि वो हर किसी को थोड़े थोड़ी, -थोड़ी सीटें दिलवा दें वो सारे ऊपर और ऊपर से फिर इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करेगी पाकिस्तान को तो इससे तो मुल्क ठीक नहीं होने लगा जो मुल्क की जरूरत है वो इसकी ऑपोजिट है वो बिल्कुल मुतबादल है इसके और वो क्या है कि साफ और शिफाफ इलेक्शन हम एक पब्लिक मैंडेट से पार्टी आए पावर में और वह फिर रूल ऑफ लॉ कायम करे जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वो जंगल के कानून से भाग रहे हैं तो जब वो देखते हैं किसी के घर में भी तोड़ के घुस जाओ बीवी बच्चों को पकड़ लो रिश्तेदारों को पकड़ लो बिजनेस बंद कर दो तो खौफ आ रहा है लोगों को पहले तो कभी ऐसे सुनते ही नहीं थे नहीं तो बेचारे गरीब लोगों से ऐसे होता था ना ये मैं अपनी पार्टी को पहली दफा मैं अपनी पार्टी को कहता हूं जो हमारे से हो रहा है या कमजोर से हमेशा होता रहा पाकिस्तान में जब ताकतवर के सामने खड़ा होता है और इसलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि इस मुल्क के अंदर इंसाफ ही नहीं है तो ये तो इंसाफ की सारी हदें ही तोड़ दी हैं ये तो वो निज़ाम आ गया जो कि हम कोई तस्वर ही नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान या दुनिया की किसी जमहूरियत में आए तो जब इस तरह के हालात हैं तो लोगों की ना उम्मीदी तो बढ़नी है मायूसी तो बढ़नी है लोगों ने तो जाना है छोड़ के इसलिए मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक्सपेरमेंट्स कर रहे हैं ये पहले फेल हो चुके हैं और इस मुल्क के अंदर जो नबे की दिहाई की सियासत थी वो ख़त्म हो चुकी है जो जनरल मुशर्रफ़ ने काफ लीग बनाई थी वो 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 दिन चले गए हैं ये दूसरा दौर आ गया और इस दौर के अंदर सबसे एक ही रास्ता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं और इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेके आए एक सियासी इस्तेकाम आए और उसके बाद फिर मैशत को ठीक करें और मुल्क के अंदर वो रिफ़ॉर्म्स करें उस रिफ़ॉर्म्स के बग़ैर पाकिस्तान इस दल दल से अब नहीं निकल सकता पाकिस्तान को सर्जरी चाहिए इस मुल्क को अब हम वहाँ पहुँच गए हैं कि हमें अगर हमने अपने सारा गवर्नेंस सिस्टम ना चेंज किया हमने सारा इंसाफ का निज़ाम ना ठीक किया हमने जो हमारे गवर्नमेंट कॉपोरेशन हैं जो जिस तरह वो इस वक्त बोझ बने हुए हैं हमने कैसे जब तक निचली सतह के लोगों के ऊपर आप उनकी मदद करने के लिए प्रोग्राम्स ना बनाए ताकि उनको हम सहारा दें क्योंकि अब जो महंगाई आ गई है लोग कैसे गुजारा कर सकते हैं और जो हमने हेल्थ कार्ड लेके आए थे सोचें कि पहले ही गुजारा नहीं हो रहा तो अगर बीमारी होगी घर में तो अगर आप हेल्थ कार्ड ही ले जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस वो कैसे गुजारा करेंगे तो कैसे हमने निचली सतह के लोगों को प्रोटेक्ट करना है उनको कैसे उनको हमने तौर पे उनकी हिफाजत करनी है टारगेटेड सब्सिडी से कैसे हमने अपने मुल्क के अंदर डॉलर की इंटेक बढ़ानी है वो कौन कौन से कदम हैं कैसे हमने खर्चे कम करने हैं कैसे हमने अपना गवर्नेंस सिस्टम ऐसा करना है कि बाहर से इन्वेस्टर पाकिस्तान आ सकें कैसे उनको इतमाद देना है अपने रूल ऑफ लॉ पर कि हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर आप अगर अपनी सरमायाकारी करेंगे तो हम उसकी हिफाजत हमारा कानून उसकी हिफाजत करेगा लेवल प्लेइंग फील्ड देगा वो कंडीशंस देगा कि जब अब अब चाइना से जब इंडस्ट्री हम चाहते थे कि पाकिस्तान आए तो मेरी जब प्रेमियर ली से उनके बात हुई तो उन्होंने मुझे क्या कहा उन्होंने कहा देखें मसला ये है कि पाकिस्तान में हमारे सारे इंडस्ट्रियस्ट कहते हैं कि टाइम बहुत लगता है यहाँ काम ही नहीं होता आपकी बड़ा स्लो है आपका सिस्टम जबकि वो वेटन जाते हैं और वो बांग्लादेश की भी बात कर रहा था वहां बड़ी जल्दी उनका काम हो जाता है इन्वेस्टर के लिए तो एक इन्वेस्टर के पास टाइम नहीं होता तो ये हमें सारी असलाहत करनी पड़ेंगी और उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि साफ और शफाफ इलेक्शन से एक मजबूत एक स्टेबल हुकूमत आए स्टेबिलिटी अब सिर्फ एक तरह ही आएगी साफ और शफाफ इलेक्शन और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को मुस्तरद किया जाए पाकिस्तान जिंदाबाद